गोवा मुक्ति दिवस आज 60वीं जयंती पर हमारे मध्य विशेष रूप से उपस्थित हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, हमारे देश की प्रथम महिला आदरणीय सविता जी, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी, हमारे विपक्ष के नेता हमारे कामत जी, उपेन्द्र जी, यहाँ उपस्थित सभी अध्यक्ष जी सहित मंत्रीगण, विधायकगण, सभी उपस्थित भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम गोवा मुक्ति आंदोलन के उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हुतात्माओं को, उन बलिदानियों को, उन संघर्षशील, न केवल गोवा के, मुझे याद है जब गोवा मुक्ति संग्राम चल रहा था हम पढ़ते थे और तब हमको लगता था कि राम मनोहर लोहिया जी से लेके जगन्नाथ राव जोशी तक जाने कितने ही लोग, देश भर के ऐसे लोग थे जो वह गोवा मुक्ति के लिए देश भर में आंदोलन करते थे, और हम जैसे विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि हम गोवा कब पहुंचेंगे, सारा देश आजाद है, गोवा क्यों नहीं है। लेकिन हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम से, नौसैनिकों के पराक्रम से और इन आंदोलनों के कार्यों के, इन हुतात्माओं के बलिदान से गोवा 19 दिसंबर को आज़ाद हुआ। मैं उन सभी हुतात्माओं को, उन आंदोलनकारियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, आज तो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो हमको अपना मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थित से हम लोगों का न केवल साहस बढ़ाया है बल्कि शायद हमको यह याद दिलाया है कि लड़ाई अधूरी है, क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का बलिदान अभी अधूरा है। अभी हमको गोवा को उस स्थान तक पहुंचाना है जहां इन बलिदानियों की इच्छा थी, जहां इन आंदोलनकारियों की इच्छा थी, जो उनका सपना था वो भी हमें पूरा करना है। मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, मैं गोमुख गंगोत्री, हिमालय के गोमुख गंगोत्री से आता हूं, और माननीय राष्ट्रपति जी की ये सत्कृपा है कि गोमुख से आने वाले, हिमालय से आने वाले एक छोटे से अदन्य व्यक्ति को ये गोवा का राज्य सेवक बनाया है। मैं आप सबका सचमुच बहुत आभारी हूं और बड़ा गर्व अनुभव होता है। मैं कैलाशवासी हूं जहां शिव जी, पार्वती जी एकदम बर्फ के साथ ऊपर रहते हैं, और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आप गोवा में हैं, यहां क्षीर सागर भी है, इस क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं और विष्णु के पास लक्ष्मी जी रहती है। जब मैंने गोवा के बारे में सोचा, भाई इतना संपन्न क्यों है, छोटा सा प्रदेश है मेरे जिले के बराबर नहीं, और इतना संपन्न है, इतना सुंदर है, इतना दुनिया में विख्यात है, तो मुझे लगा निश्चित रूप से प्राचीन ऋषि मुनियों ने जब कल्पना की होगी, कामत जी ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में आया होगा कि यहाँ लक्ष्मी का, यहाँ भगवान विष्णु का इस सागर में निवास है, इसीलिए तो यहाँ मणि है, रत्न है, और इसीलिए आज देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में, अगर मेरी जानकारी सही हो, तो गोवा सबसे आगे है, पर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे है, और वन और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे आगे है। छोटा सा प्रदेश, मुझे कभी कभी लगता है, मुझे बहुत पहले पढ़ता था सुमाकर की किताब कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही बहुत सुंदर है, गोवा इज वेरी स्मॉल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल,
It's not only beautiful, it's very bountiful also. न केवल सुंदर है, ये संपन्न है, ये समृद्ध है. इसकी समृद्धि को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आज दुनिया के अंदर भूटान छोटा सा देश है, वो आज क्रॉस हैप्पीनेस में दुनिया में सबसे आगे है. हम जीडीपी में कितने हैं, क्या है, मैं इस पर नहीं जाता, परंतु गोवा एक ऐसा प्रदेश है जो इस हिंदुस्तान के अंदर हम सब मिलजुल के काम करें. केवल इलेक्शन के समय अपना राजनीति करें, उसके आगे गोवा की उन्नति पर सोचें. तो मैं सोच सकता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में गोवा ये इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस में सबसे आगे होगा और दुनिया में नाम होगा. मेरा विश्वास है हम सब लोग मिलजुल करके इस दिशा में काम करेंगे. हम सब लोगों ने कोविड की बड़ी उसके साथ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है. ये कोविड के साथ लड़ाई ये पुर्तगालियों से लड़ाई से कम नहीं है, और इसीलिए इस लड़ाई को ठीक करने के लिए, सफल होने के लिए अभी और सजगता की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री जी बार बार इस ओर कहते हैं, राष्ट्रपति जी बार बार इस ओर दिलाते हैं, और मेरा विश्वास है आप इस ओर जरूर ध्यान देंगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है हमको आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, हमको आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, माने भारत के हर क्षेत्र को बनाना है, हर प्रदेश को बनाना है. और इस दिशा में मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत विशेष बधाई देता हूँ. माननीय राष्ट्रपति जी, इन्होंने अपना संकल्प लिया है स्वयं पूर्ण गोवा, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट गोवा. इट्स ए वेरी ग्रेट मिशन, यू हैव टू फुलफिल इट. ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, आपसी मतभेद भूलने पड़ेंगे. केवल और केवल गोवा और भारत माता का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप दुनिया के अंदर जहां जाएंगे, जब ये संपन्न समृद्ध और सबसे आगे होगा, तो निश्चित रूप से दुनिया भर में आपका यह कीर्ति गाई जाएगी. मैं शुभकामना करता हूं इस अवसर पर कि ये जो स्वयं पूर्ण गोवा का आपने लक्ष्य रखा है, इस सब में मिलजुल करके हम सब लोग आगे बढ़ेंगे. मेरा पूरा विश्वास है कि गोवा में जो आपसी सौहार्द है, जो आपस में समन्वय है, और जो यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण है, निश्चित रूप से इस प्रकृति के गोद में बसे हुए इस गोवा में हम शांति के साथ, हम समन्वय के साथ, हम सौहार्द के साथ मिलकर के इसके उत्थान के लिए अहर्निश दिन रात डे एंड नाइट हम काम करेंगे, और इस प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे. प्रकृति ने सर्वोत्तम बनाया है, हम सब मानव यहाँ के नागरिक सिटीजन्स सब मिल करके इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे. डेवलपमेंट के हिसाब से, प्रगति के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, उस दिशा में हम सब प्रयत्न करेंगे. मैं सब आप लोगों को हतात्माओं का अभिनंदन करते हुए, उनको अपना प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ, और एक बार फिर से महामहिम पूज्य राष्ट्रपति जी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की, आज उपस्थित रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. सुनापरांत गोयचा सुंदर भुयेर मार्गदर्शन करपी चैतन्यदायी उतरांक लगून भोमानेस राज्यपालांक काळजान सावन देव बरें करूं. परशुराम भुयेर ईश्वर म्हणटा आसतलो तथास्तु तथास्तु तथास्तु. इश्टानो 60 वर्सांचो हो प्रवास ही जैताची गाथा, ही तुफाना